أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. हज़रत आयतल लसम चवाल आमोलि हफ़जाल्ला की तफ़िर तस्नीम का सिलसिला आगाज किया जा रहा है तफसर यानी कशफ हिजाब वो चीज़ जो हिजाब में होती है मस्तूर होती है उसके ऊपर से पर्दा को हटाना और उसे मकसूफ़ करना लेकिन भला क्या कुरान पर किसी किस्म का हिजाब पड़ा हुआ है क्या कुरान महजूब है क्या कुरान मस्तूर है कुरान तो ख़ुद रोशन है बल्कि दूसरों को रोशन करने वाला है कुरान तो खुद नूर है बल्कि दूसरों को मुनवर करने वाला है तो भला कुरान को तफसीर की क्या ज़रूरत है यह बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि सूरज सूरज की रोशनी अगर हम तक ना पहुँचे तो सूरज पे कोई हिजाब नहीं पड़ा हुआ यह हिजाब हम पर पड़ा हुआ है इसी तरह तादाबंदी जो नूर इलाही है नूर लाही के शदत जहूर की वजह से शद्दत हुजूर की वजह से खुदा इतना हाज़िर है खुदा इतना जाहिर है कि अब हम समझ बैठते कि खुदा गायब है दर हकीकत खुदा गायब नहीं हम गायब हैं खुदा तो हाज़िर ही हाज़िर है इसी तरह ज़माने के इमाम के बारे में आज यौम जुम्ह है इमाम ज़माना जलल्ला तरज व शरीफ से मनसूब है ज़माने के इमाम हाजिर है अगर कोई शख्स गायब है तो वो हम हैं जो इमाम ज़माना को नहीं देख पा रहे है। हम हैं गायब न के ज़माने के इमाम और हम गायब हैं अपने अमाल किरदार की वजह से हमारे गुना है जिसकी वजह से हम पर पर्दे गैबत पड़ा हुआ है और हम गुनाह पे अगर गुनाह किए जाए तो गोया ऐसा है कि जुल्मत पे जुल्मत आ रही हो रही है और इस आयत के मुस्ताक बने जाएंगे ओमा जुल्मते, जुल्मतों पर दूसरी जुल्मतों पर आ रही है और इससे नजात हासिल करने के लिए हम मोहताज हैं तफसीर की मोह के मोहताज है ताकि तफसीर की कश्ती में बैठ कर इस फुल के जारियाई तफसीर पर बैठ कर उस लोजाज गामेरा से गुज़र सके उस गुमराही के अमवाज को तय कर सके और क़ुरान के आसमानी मारफ़ को दर्द कर सके उस तक रसाई हासिल करना मुमकिन नहीं होगा सिवाय तफसीर के बग़ैर और हकीकी मुफसरन भी यही अम्बिया एज़ाम अलिया कराम ही है जिन्होंने अल्लाह किस रोशन और नूर से इस्तेफादा करते हुए उम्मतों को गुमराहई से निकालने के लिए कोशिशें की मेहनतें की और इसी तरह से तारीख़ तो में वो एक कराम जिन्होंने अपने आप की तहजीब नफ्स की अपने आप को पाक व पाकज़ा करने की कोशिश की और फिर इस क़ुरान की रोशनी के ज़रिए आयम की के कीमती ज़मलात के ज़रिए इस रहमत इलाही पर हाज़िर हुए और न सिर्फ़ हाज़िर हुए दूसरों को इस मायद रहमत इलाही की तरफ़ दावत दी उन्होंने उनमें से एक हकीम फरजाना वाला मकाम फ़कीह मतक्म फीलसूफ़ और मुफसर क़ुर करीम हज़रत आयतलस्समा जवादी आम हफ़जल्ला है कि जिन्होंने अपने उसाद बुजुर्गवाररत उस्ता हज़रत तबातवाबाई की आहज पर चलते हुए उनकी तफसीरी नहज पर चलते हुए की कीज पर चलते हुए क़ुरान की तफसीर की खुद कुरान के ज़रिए आयत की तफसीर खुद दूसरी आयात क़ुरान के ज़रिए और इस तफसर कुरान में उन्होंने किसी भी इल्म को शामिल नहीं किया कोई इल्म भला वही के हम पल्ले कैसे हो सकता है और अगर कहीं कुरान में कलामी फिकही, उसूली, म, कलाम फलसफ़ी शक्ल और सूरत नज़र आ रही है तो ऐसा नहीं है कि उन उनम ने कुरान को कुछ दिया है बल्कि क़ुरान है जो क़ुरान ने उनके मबना को बनाया है उनके बेस को बनाया है वो उलूम, कुरानी आयात को महदूद नहीं कर रहे बल्कि कुरानी आयात है जो इन इनूम के अंदर डेप्थ और गहराई ईजाद कर रही है कुरानी आयात है क़ुरान है जो उनके अंदर वसत ईजाद कर रही है उनूम के अंदर और कुरान तो ये चाहता है कि इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में खुदा ही रंग आ जाए इंसानी ज़िंदगी चाहे इंसान खाए पिए रहे सहे जो काम इंसान करे इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू में खुदाई रंग हो हर जगह खुदा ही खुदा हो इंसानी माशरे में इंसान खुदाई रंग के अंदर ईजाद हो जाए चाहे वो इंसानी कल्चर हो चाहे वो इंसानी अकतसाद हो चाहे वो इंसानी सियासत हो चाहे वो इंसानी अकायद हो कोई भी इंसान के ज़िंदगी के पहलू में कुरान से खाली ना हो हर जगह को कुरान ही कुरान हो सूर मुबारक हम जिसकी तलावत का अशरफ हासिल हुआ क़ुरान मजीद ने अपना आगाज़ सर हम से किया है और सूर हम क़ुरान का पहला सूर है जिसके मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं हमद उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, मसानी सब सबाहमासानी ये मख्तफ़ नाम जो सूर हम के लिए सूर किताब के लिए बयान किए गए इन नामों में से मशहूर तरीन नाम है फातहतुल किताब, जो कि रिवायत में भी इसी नाम से इसको जाना गया है और बताया गया है कि ला बफातहतुल किताब, नमाज नहीं होगी नमाज कबूल नहीं होगी मगर किताब के ज़रिए जब तक नमाज में इस सूरह न पढ़ा जाए नमाज कबूल नहीं होगी और इस सूरह हम की सात आयतें हैं, और बिसमान रहीम की आयत इस सूर्य का हिस्सा है हम बिसमान रहीम के जुमले को न सिर्फ तबरों के अनवान से बल्कि के केनवान से सूर्य के हिस्से के उनवान से के उनवान से सूर्य के पाठ के उनवान से पढ़ते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज में नमाज पढ़ना चाहे तो उस पर वाजिब है सूर हम की तलावत करें और सूर हम की तलावत करते हुए बिसमीम की तलावत करें और अगर कोई शख्स ये बिसमीम की तलावत ना करे तो कोई उसने मुकम्मल सूरा नहीं पढ़ा और बिसमीम का इस सूर्य के आगाज़ में आना बल्कि इस किताब इलाही के आगाज़ में आना इसमें खुदावंद मुताल हमें एक दीनी अदब सिखा रहा है और वो दीनी अदब ये है कि हर काम का आगाज़ और इब्तदा हर काम की बिस्मिल्लाह रन रहीम से की जाए और यही वो अदब है जो खुदावंद मुताल अपने पैगंबर को सिखा रहा है बता रहा है कि खुल्ल अमरिन बेबिस फाहुआ अबतर हर काम हर वो काम जिसके अंदर बिसम के जरिए उस काम को स्टार्ट किया जाए आगाज न किया जाए फाहुआ अबतर काम अबतर रह जाएगा अबतर रहने का मतलब क्या है अबतर रहने का मतलब ये है कि वो काम अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएगा इंसान जब भी कोई भी काम अंजाम दे रहा होता है तो वो ये चाहता है कि उस काम को उसके मकसद तक उसके हदफ तक पहुंच जाए उसकी दिली ख़्वाहिश होती है कि वो काम अपने मकसद तक पहुंच जाए अगर बसमान रहीम पढ़ा जाए तो वो काम इनशा अपने हदफ और मकसद तक पहुंच जाएगा और हर काम अपने हदफ और मकसद तक पहुंचने के लिए उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है नंबर वन वो काम जो काम बजा लाया जा रहा है वो काम हक हाँ हो उसका आगाज़ और इब्तिदा भी हक हाँ हो और उसका खात्मा और एंड भी हक हाँ हो वो काम हक हाँ हो वो नेक काम हो नंबर टू वो ये कि काम को बजा लाने वाला भी इस काम को बजा लाने वाला भी पाक पाकीजा हो नेक हो काम भी नेक हो काम को बजा लाने वाला भी नेक हो नेक अमल को नेक फाइल बजा ला है, लिहाजा सिर्फ़ उन कामों को खुदा के नाम से शुरू किया जा सकता है जो खुद काम भी अच्छे हो काम को बजा लाने वाला शख्स भी अच्छा हो नीयत भी अच्छी हो नीयत करने वाला शख़्स भी अच्छा हो तब जाके वो काम अपने हदफ और मकसद तक जा पहुँचेगा तो दोनों चीज़ें नक होनी चाहिए काम भी फैल भी नेक फैल भी आसान हो फ़ेल को बजा लाने वाला भी हसन होना चाहिए और अगर किसी अमल में किसी भी फ़ैल में इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ मौजूद न हो तो और उस काम को स्टार्ट करते वक्त उस काम को शुरू करते वक्त बिसमीम के ज़रिए शुरू ना किया जाए तो वो अपने हदफ़ तक न पहुंच सकेगा वो अबतर रह जाएगा क्योंकि बातिल काम का अंजाम ही बातिल हुआ करता है लिहाजा वो काम अपने हदफ तक अपने मकसद तक नहीं पहुँच सकेगा और यह वही चीज़ है इसी रूस से कि खुदा मताल ने अपने पैगम्बर से यूँ फरमाया कि अगर काम में दाखिल होना है तो सादकाना दाखिल हो सच्चाई के साथ दाखिल हो काम में काम से फारग होना है तो सच्चाई के साथ काम से फारग हो बक ये वो दुआ है जो खुदावन मताल ने पैगम्बर को पता है कि इस तरह दुआ फरमाना वक़ुल रबनीजनी मुखरज सेद खुदांदा मैं दाखिल हूँ किसी काम में तो साद खाना दाखिल हूँ खारिज हूँ किसी काम से किसी काम से فارغ हों तो صادقانہ فارغ फ़ारग इसका मतलब ये कि काम के इब्ता में भी जब सच्चाई काम के अंतहा में भी जब सच्चाई तो काम के दौरान में भी इंसान ये कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि वो सच्चाई बरकरार रहे वो हक और नेक काम उस पूरे काम के अंदर भी पूरे काम के दौरान भी वो काम नेक ही रहे तब जाके वो अपने हदफ और मकसद तक जहाँ पहुँचेगा आखिर में खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें नेक बनने की और हमें नेक बनने के साथ साथ हम जो आमाल बजा ला रहे हैं।